हंसिए नहीं, मुस्कुराइए। आप बिहार में हैं लेकिन बताइए आपका नाम क्या है? देते हैं वोट। पहले नाम बताइए। मेरा कुंती देवी। कुंती देवी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम रिया है और आप देख रहे हैं HS बिहार। आज हम पटना के सड़कों पर निकलेंगे और महिलाओं से ये जानेंगे कि वो इस बार किनको वोट करेंगी या फिर उनका इलेक्शन पर क्या राय है। विधानसभा इलेक्शन आने के है और माहौल जो है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। बस 1-1.5 महीने बच गए हैं और भी तैयारियां करने को तमाम पार्टियां का। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो क्या राय रखती हैं, हम आज वो बात करने की कोशिश करेंगे। ये शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि महिलाएं थोड़ा कतराती हैं बोलने में, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो बताएं अपनी राय कि इस बार महिलाओं के बीच में सबसे पॉपुलर नेता जो है वो कौन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप हमारे साथ बने रहें आगे लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए। आप वोट देती हैं? हाँ सर। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2020, तो उसमें आप किसको वोट देंगी? जो अच्छा काम करेंगे उसी को देंगे। तो अभी तो 2 महीना बच गया है, तो अभी तक आप डिसाइड नहीं कि कौन अच्छा काम किया है? हाँ किया है, भारती देवी किया है। भारती देवी, हाँ। कमल छाप है, लालटेन छाप है, और भी है बहुत सारा जाप है। हाँ, पंजा छाप पर देते हैं। पंजा छाप पे देती हैं, मतलब कांग्रेस। हाँ चलिए ठीक है। और आपको कोई फोर्स तो नहीं करता है ना? खुद से वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? छह आदमी हैं। तो छह वो मतलब चार आदमी देते हैं, दो चार लोग देते हैं। हाँ चार आदमी, दो अभी छोटे हैं। छोटे हैं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राम दुलारी। राम दुलारी, तो आप वोट देती हैं? नहीं देते, मेरा वो है ही नहीं, तो कहाँ से दें। कितना उम्र है आपका? मेरा 25 हो रहा है। 25 हो रहा है, मतलब आप 7 साल से वोट देने लायक हो गई थी। हाँ। लेकिन आपने वोट अभी तक नहीं दिया है क्योंकि आपके पास वोटर आईडी। नेपाल के में रहने वाला हूँ, यहाँ आधार कार्ड उठ बना, यहाँ ससुराल है। तो ससुराल है तब? हाँ। तो अभी यहाँ की अभी नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब वोटर आईडी अभी नहीं बना हुआ है, हम जानबे नहीं करते हैं। तो आपके हस्बैंड ने नहीं बताया आपको? अभी नहीं बना दिया, बोलेंगे बनाने के लिए, चाहिए। हाँ। तो आप अब भारत की नागरिक हैं, तो अब आपको शायद वोट तो देना ही चाहिए, खासतौर से अब विधानसभा चुनाव है। हाँ। अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकती हैं। हाँ। वोटर आईडी कार्ड के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ? हंसिए नहीं, मुस्कुराइए। आप बिहार में हैं लेकिन बताइए आपका नाम क्या हुआ? देते हैं वोट। पहले नाम बताइए। मेरा कुंती देवी। कुंती देवी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ हैं, तो वोट देती हैं हर साल? हाँ वोट इसमें देवे आते हैं, रहते हैं। हम सब दिन से इसमें रह गए। हाँ, तो पिछले बार ककरा वोट दी थी? वोट दे से संजय। विधानसभा में नितिन नवीन बोलिए ना। अरे देखिए, बोलिए ना, वो बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है, कौन छाप पे वोट दी थी ये बता दीजिए। कमल छाप। ले आप पीछे से गाइड करिएगा, मतलब पीछे पीछे कैमरा लगाइए, ये गाइड कर रहे हैं उनको। चले चले, कोई बात नहीं। तो अब किसको वोट देंगे? अब विधानसभा चुनाव है, जे अथी करेगा दीदी उसको देंगे। जे अथी करेगा मतलब आपको जो बोलेगा उसको वोट दीजिएगा, जो जीतेगा उसको देंगे, जो सही काम करते हैं ना जो। चलिए आप थोड़ा घबरा रही हैं, कोई बात नहीं, बहुत नहीं, और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी महिलाएं हैं, हम सिर्फ महिलाएं से जानेंगे। और जैसे ही हम कैमरा इधर ले जा रहे हैं वो साइड हो जा रही हैं। आपका नाम क्या हुआ? पूनम। आप यहाँ आधार कार्ड बनवाने आई हैं? जी हाँ। आपका मतलब आप कहाँ की रहने वाली हैं? सब्जीवाग। वोट देती हैं? नहीं। क्यों? मेरा अभी नहीं बना है अभी। कितना उम्र है आपका? 25 है। और 7 सालों से आप वोट देने लायक थी, देखिए पीछे वोट का साइन दिया हुआ है, और आप ऐसे जगह पे आई हैं जहाँ शायद वोटिंग होती है यहाँ पे, और मतलब ये जगह पे वोटिंग होती है, और आप वोट नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती है? रीज़न कुछ नहीं बना हुआ है तो? आपके हस्बैंड ने नहीं बनवाया आपका वोटर आईडी कार्ड? नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। तो मैं चाहूँगी आपके हस्बैंड को भी आप बोलिएगा आज कि आज आपका वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, और आने वाले चुनाव में आप ज़रूर वोट करें। अच्छा, अगर वोटर आईडी कार्ड होता तो किसको वोट करती? जिसको सब देता है उसी को उम्मीद। जिसको सब देता है उसी को वोट करती। चलिए आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ओपिनियन। क्यों नहीं बोलना है? बस सही नहीं बोलना। आप पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, काम काजी भी लग रही हैं। चलिए, तो यहाँ ये स्थिति है महिलाओं की। कुछ लोगों ने बताया कि क्यों वो वोट नहीं देती हैं, क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। और भी लोगों से हम पूछेंगे। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ?
क्यों क्या? अच्छा ठीक है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? पटना की रहने वाली हूं। वोट देती हैं? हर साल वोट देती हैं? मतलब जब भी चुनाव हो रहा तो वोट देती हैं? हाँ देती हैं। किसको वोट देती हैं आप? पहले किसको वोट दी हैं आप? जिसको जखनी अच्छा लगता है उसको देते हैं। तो अभी किसको देने वाली हैं? अभी कोई डिसीजन नहीं ना है, जब वोट घर में घुसेंगे तो डिसीजन लेंगे। विधायक जी काम, आप जहाँ से ताल्लुक रखती हैं वहाँ के विधायक जी काम किए हैं? विधायक जी क्या काम किए हैं, वो सब अपने लिए काम करता है, वो दूसरा का नहीं। तो आप संतुष्ट नहीं है अपने विधायक से? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुनी मिली जुली प्रतिक्रिया महिलाओं की, खास तौर से हम यहाँ जो आए हैं यहाँ पे आधार कार्ड बनने का काम हो रहा है, हतवा मार्केट और कितान मार्केट के बीच में ही हैं हम लोग। और एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिन जो भी महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें उनका अपना बात नहीं है, सबके अपनी बातें नहीं हैं। कोई पीछे से उनको बता रहा है, कोई हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, किन्हीं का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। एक लड़की थी जो कि काफ़ी सक्षम थी बताने में कि वो किनको वोट कर सकती हैं या नहीं करती या किसको करेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। यहाँ की महिलाओं का यही प्रॉब्लम है जो हम आपको आज दिखाना चाहते थे कि अगर हम किसी से पूछने निकलते हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा या फिर आप किनको वोट देने वाले हैं, आप वोट देती हैं तो उनका कुछ ऐसा ही जवाब होता है। और ये सिर्फ हम पटना में हैं तब की बात है, अगर हम और गाँव के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की स्थिति और भी गंभीर है। तो वोटिंग प्रतिशत जो होती है वो महिलाओं की, कहा जाता है हर बार आंकड़े दिए जाते हैं कि बहुत अच्छा आंकड़ा है, इस बार महिलाओं ने बहुत वोट दिया। आपको मैं बताऊं सच्चाई, घर में उनको बोला जाता है पंजा छाप, कमल छाप, या फिर ये छाप है आप उस पर जाइए वोट कीजिए, आप उसी पे उस पे दबा देना। या तो उनके हस्बैंड बताते हैं या तो उनके बेटे बताते हैं, उनका खुद का कुछ भी ओपिनियन नहीं होता है क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। तो यही स्थिति है। तो जो भी अभी जीतने वाले हैं आगे आने वाले चुनाव में, मैं उनसे आग्रह करूँगी इस वीडियो के द्वारा कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़ें, लेकिन क्वालिटेटिव वोटिंग परसेंटेज हो, खुद का हो, वो खुद की राय वहाँ डालें, ज़बरदस्ती किसी से वोट ना डलवाएं। और सब और ये ज़रूर क्लियर करें कि सबके घर में सभी महिलाओं के पास वोटर आईडी कार्ड ज़रूर हो। और भी ओपिनियंस के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। अगली बार जो हम पब्लिक ओपिनियन करने जाएंगे वो होगा पुष्पम प्रिया चौधरी पे। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए।